लगभग 42,000 छात्र हैं, 119 गवर्नमेंट आईटीआई और 110 शासकीय आईटीआई। उनके छात्रों के अंतिम वर्ष की परीक्षा के लिए क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं हुआ है इसलिए अन्य राज्यों में प्रारंभ हो गया है। आज ये प्रस्ताव किया गया कि उनकी जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं उसके लिए किया जाए ताकि उनका अंतिम जो लास्ट ईयर है उसकी परीक्षाएं सुचारू हो सके। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय जो हुआ है भी श्रम विभाग ने लिया है, क्योंकि पिछली बार जब कोविड से प्रभाव हुआ था तो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था, उम्मीदें थी कि छत्तीसगढ़ में लगभग 2,00,000 प्रवासी मजदूर वापिस आएंगे, लेकिन हमने पाया कि लगभग 7.5 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों का वापसी माइग्रेशन छत्तीसगढ़ की ओर हुआ था। एक नीति बनाई गई कि उसका पंजीयन कराया जाएगा और उसका नंबर अलॉट किया जाएगा कि वो पूरे देश में कहीं भी हमारे प्रदेश के श्रमिक मजदूर रहेंगे उनके बारे में पूरा डिटेल पंजीकृत किया जाएगा ताकि उनको कभी कोई अड़चन आए, कोई ज़रूरत हो तो राज्य सरकार उसकी मदद कर सकेगा। छत्तीसगढ़ राज्य में लाख को खेती का दर्जा दिया गया, लाख उत्पादन से जुड़े हुए किसानों को हमारे जो कृषि के क्षेत्र में कृषि कार्य करने वाले किसान हैं जिस तरीके से उनको केसीसी से लोन दिया जाता है, जिस तरीके से उनको अल्पकालीन ऋण 0% ब्याज में उपलब्ध कराया जाता है, वैसे ही छत्तीसगढ़ के लाख उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाख से जुड़े हुए किसानों को 0% पे अल्पकालीन ऋण भी दिया जाएगा, उसके लिए आवश्यक ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा और उन किसानों के लिए केसीसी भी उपलब्ध कराया जाएगा। लघु वनोपज द्वारा प्रस्तावित प्रसंस्करण इकाई दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड के ग्राम जामगांव में स्थापित किया जाएगा और इस इकाई में आयुर्वेदिक दवाएं, जड़ी बूटी, लाख चिरौंजी, महुआ, बेल, इमली, बांस आदि का प्रोसेसिंग का काम होगा। सरकार के द्वारा राज्य लघु वनोपज के द्वारा भी किया जाएगा और ये जैसे औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाता है उसी तरीके से इसमें प्राइवेट इंडस्ट्री जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग आएंगे उनको भी वहाँ अवसर दिया जाएगा। धान की खरीदी प्रारंभ हो रही है 31 जनवरी तक उसका, और मक्का की भी खरीदी करेंगे उसको 31 मई तक का उसका डेट हम लोगों ने आज मंत्रिमंडल की समिति से फाइनल किया है। इस COVID-19 के चलते जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय है उसको भौतिक रूप से प्रारंभ करने के संदर्भ में वाइस चांसलर से हम लोग रिपोर्ट मंगाएंगे और उसके बाद आने वाले दिसंबर या जनवरी माह में इसको प्रारंभ करने के संदर्भ में एक निर्णय लिया गया। गोल बाजार स्थित पूर्व के पट्टे पर आवंटित भूमि का आवंटन आज के कैबिनेट ने किया है। अब इसके दर वगैरह का निर्धारण करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक गठित समिति इसका निर्धारण करेगी, लेकिन जिस तरीके से जवाहर बाजार की योजना लॉन्च किया गया उससे भी बड़ी बाजार और व्यावसायिक क्षेत्र का इसमें पुनर्निर्माण होना है, इसलिए इसको नगर पालिक निगम को आवंटित करने का निर्णय लिया गया। कि जो हमारा ऑडिट है, ऑडिट अब शासन के अन्य जो सभी संस्थान हैं उसमें फाइनेंस का जो ऑडिट होता है उसको हम लोग लागू करेंगे, सभी संस्थानों की ऑडिट किया जाएगा। जो निष्प्रयोजित वाहन है उसका जो टैक्स जो दे है पिछली बार जो बढ़ाया गया था उसकी अवधि को अब 31 मार्च 2021 तक आज बढ़ाया गया, क्योंकि अभी बसों का परिचालन हो नहीं रहा है। टैक्स माफी अब आशय माफी नहीं है, उस अवधि का 31 मार्च 21 तक जो माफी का अवधि था उसको एक्सटेंड किया गया है, एक्सटेंड किया गया है अप टू 31 मार्च। हम गोठानों में
गोबर की खरीदी करते हैं 2 रुपया किलो में और जैविक खाद का निर्माण करते हैं वर्मी कंपोस्ट, उसको विक्रय करने की नीति बनाई गई। भंडार क्रय नियम या अन्य नियमों से इसको मुक्त किया गया। किसी भी विभाग के द्वारा ये जो खरीदी की जाएगी वो सीधा इसको जो वर्मी कंपोस्ट है जैविक खाद उसका जो दर निर्धारण है उसके आधार पे इसको खरीदी कर पाएंगे। तीसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर आज जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें उन्होंने सबसे आग्रह किया कि मंत्रिमंडल के सारे प्रस्तावों पे चर्चा छत्तीसगढ़ी में होना चाहिए और सौभाग्य से आज मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्य सचिव के रूप में अपनी अंतिम बैठक में उपस्थित आरपी मंडल ने अपनी शुरुआत भी छत्तीसगढ़ी भाषा से किया और सारे प्रस्तावों पे चर्चा छत्तीसगढ़ी भाषा में हुई। पहला प्रस्ताव था कि COVID-19 के कारण निर्णय कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक में भी लिया गया, जो मंडी टैक्स हम लोगों जो राइस का प्रोक्योरमेंट होता है धान का उपार्जन करते हैं वहाँ 0.50% से 2 रुपया तक प्रति सैकड़ा मंडी टैक्स का जो हम लोगों ने प्रावधान किया हुआ था उसको लगभग 3 रुपये तक करने का और उसी से जुड़ा हुआ किसान कल्याण के लिए शुल्क एक हम लोग उसमें निर्धारित करेंगे जो 2 रुपये प्रति सैकड़ा तक होगा। आज उस प्रस्ताव को भी मंजूर